नमस्कार, बिन पानी सब सून हमारी खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारे। पन्ना में रहवासी पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि अब बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग अपनी जान से खिलवाड़ कर पानी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आपको बता दें कि कहानी पन्ना जिला मुख्यालय के उस वार्ड की है जहाँ खुद कलेक्टर और नगर पालिका CMO का निवास भी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पानी के लिए जोखिम उठाना पड़ता है। कई बार चट्टानों और यहाँ पर कच्चे रास्तों में फिसलने से महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग भी गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। लोगों ने इसकी शिकायत कई बार अधिकारियों से लेकर विधायक से भी की है, लेकिन समस्या का समाधान अभी तक नहीं हुआ। आते हैं और गिर जाते हैं, बच्चे भी गिर जाते हैं। यहाँ कितनी दूर से आप पानी भरने आते हैं? वहाँ से आते हैं, कलेक्टर वहाँ खाले से आते हैं यहाँ पानी भरने। बच्चे भी गिर जाते हैं यहाँ, छोड़ के आते हैं बच्चन को। अच्छा, अभी ये समस्या है तो गर्मियों में क्या होता होगा यहाँ? अब क्या करिए, अब लाइन लगती है सो गर्मी में तो पानी भरना ही पड़ा। यहाँ ही से भरते हैं। तो ये पानी कैसा मिलता है यहाँ? अब यहाँ पानी अब तकलीफ मिलती है, बच्चन को छोड़ के आते हैं, रोते रहते हैं, अब पानी तो परेशानी रहती है, सो आते हैं पानी भरने। तो पानी क्या गंदा रहता है? ये गंदा भी रहता है, साफ भी आता है। शिकायत की आपने इसकी? हाँ, हमने करो तो कोई सुनाइए भी नहीं दे रहा हुआ। खतरा है वो, यहाँ पानी की बहुत दिक्कत है। हम लोग बड़ी मुसीबत से भरते हैं पानी और सब लोग शिकायत भी करते हैं तो कोई सुनवाई नहीं होती हमारी। सब कहते हैं कि हाँ हो जाएगा हो जाएगा, वोट आते वोट ले जाते हैं, वोटों के टाइम पे सब कह देते हैं यहाँ सब व्यवस्थाएं हो जाएंगी, कोई व्यवस्थाएं नहीं होती। बूढ़े बुजुर्ग लोग गिरते हैं यहाँ पानी भरने पे, यहाँ का पानी पीते बीमारी भी होती है। यहाँ कचरा आता है पानी में सप्लाई वाला, एक एक घंटा यहाँ कचरा बहता बैठना पड़ता है, देखना पड़ता है जब साफ आता जब भरते हैं। पहाड़ी बनी हुई है, कोई गिर भी पड़ता है यहाँ से? कई गिरे हैं भाई साहब, बहुत लोग गिर पड़ते हैं। बूढ़े लोग हैं जो आते हैं, परेशान हैं, गिर चुके हैं कई बार, रोज गिरते एक दो लोग। वर्तमान में अभी नगर पालिका द्वारा प्रतिदिन पानी प्रदाय किया जा रहा है। आपके द्वारा संज्ञान में लाया गया है कि पानी की समस्या है। एथेंटिक पॉइंट आपके द्वारा बताया गया, कुछ एरिया में पानी नहीं आ रहा है। मेरा कहने का आशा है, कल मेरा कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था, JCB के द्वारा पाइपलाइन तोड़ दी गई है, उसकी वजह से एक दिन पानी की समस्या प्रभावित हुई है। वसरते प्रतिदिन पानी निकाय में निरंतर रूप से जारी हो रहा है। आपको दिखा रहे हैं पन्ना की, जहां आपको बता दें कि पन्ना जिले के नगर पालिका के वार्ड नंबर 17 मदार टेकरी की ये तस्वीर है जहां के ग्रामीण पानी के लिए तरस रहे हैं, बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। ऐसे में कई जनप्रतिनिधियों और जिम्मेदारों को अवगत करा दिया गया, लेकिन हर बार की तरह मामला अभी भी वैसा का वैसा ही बना है, जस का तस नजर आ रहा है। किसी भी जिम्मेदार ने यहाँ पर सुध नहीं ली और जब यहाँ पर संज्ञान दिया जाता है या फिर जिम्मेदारों के पास जाते हैं और उन्हें अपनी परेशानियों से रूबरू कराते हैं तो उस दौरान उनका जो रवैया होता है वो कुछ अलग ही निकल कर सामने आता है। ऐसे में मीडिया से ने भी बात करने की उनसे कोशिश की, लेकिन फिलहाल वो कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से बचते हुए नजर आए। और अब हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं उसे पूरी लोकेशन से इदरीश मोहम्मद संवाददाता। इदरीश, फिलहाल तो जानना चाहेंगे कि जिस तरह से बिन पानी सब सून यहाँ पर लगातार पानी को लेकर कई तरह की समस्याएं खड़ी हो रही हैं और जल ही जीवन है का यहाँ पर लगातार नारा भी दिया जाता है, कई योजनाएं यहाँ चलाई जाती है ताकि गरीबों को उनका हक मिल सके, लेकिन यहाँ तो कुछ उलट ही नजर आ रहा है। इदरीश जी, तो बिल्कुल आपको बता दें कि ये पन्ना नगर पालिका के वार्ड नंबर 7 की ये पूरी मामला है। यहाँ लगभग 300 से 400 ऐसे परिवार हैं जो पानी, एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। फोटो में वीडियो में आपने देखा होगा किस प्रकार से जो नाबालिग बच्चे हैं वो लगातार पानी के लिए संघर्ष करते नजर आते हैं। आपको बता दें कि सुबह से ही ये बच्चे जो हैं वो उठते हैं और पानी के लिए पूरे दिन संघर्ष करते हैं। यहाँ पर नल कनेक्शन, जो नल जल योजना चलाई गई थी, उसका लाभ यहाँ 300-350 परिवार है जिनको नहीं मिल पाया है। यहाँ जो महिलाएं हैं वो अपनी जान पे खिलवाड़ करके यहाँ पहाड़ी से पानी भर के ले जाती हैं। और ऐसा नहीं है कि शासन प्रशासन या जो जिम्मेदार अधिकारी हों उनको इस बारे में जानकारी ना हो,
बल्कि सबसे बड़ी अचंभव वाली बात यह है कि जहां से ये लोग पानी भरते हैं वो पूरा जो स्पॉट है वो कलेक्टर बंगला के सामने बना हुआ है। तो सोचने वाली बात है कि जिस प्रकार कलेक्टर बंगले के सामने अगर इस प्रकार की स्थिति है तो पूरे नगर में किस प्रकार का आलम होगा। ऋतु बिल्कुल, ये सोचने वाली बात भी है और कई तरह के सवाल भी यहाँ पर खड़े हो जाते हैं कि कुछ जिम्मेदारों के सामने ही इस तरह की चीजें हो रही है लेकिन कोई सुध नहीं ले रहा। उसके बावजूद भी यहाँ पर बात की जाए प्रशासन और जिम्मेदारों की, ढीला रवैया तो निकल कर सामने आ रहा है लेकिन अब तक किस किस को यहाँ पर अवगत करा दिया गया कि इस तरह की परेशानी यहाँ गाँव वालों को हो रही है। देखिए ये वार्ड नंबर 7 के जो मेंबर है लगभग 300-350 परिवार ऐसे हैं जिनके द्वारा नगर पालिका में कई बार इस चीज को लेकर आवेदन दिया जा चुका है, कलेक्टर पन्ना से इसकी शिकायत की जा चुकी है। यहाँ तक कि यहाँ से जो स्थानीय विधायक और कैबिनेट मंत्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह है उनके पास भी कई बार इस चीज की शिकायत की जा चुकी है, बावजूद इसके अभी तक इन लोगों को पानी की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है। जी बिल्कुल, ये दृश्य जिस तरह से आपने ये तीन नाम लिए, ये तीनों एक अच्छे पद पर यहाँ पर तैनात है उसके बावजूद भी इस तरह की परेशानी से वहां के लोग जूझ रहे हैं, ये काफी बड़ी बात हो जाती है। ऐसे में फिलहाल इन लोगों का रिएक्शन किस तरह से निकल कर सामने आया, क्या कोई आश्वासन दिया गया है कि हम पानी की समस्या को जल्द ही यहाँ निजात दिलाएंगे? देखिए ऋतु, यहाँ जो जिम्मेदार है वो क्या करते हैं कि आश्वासन देके पूरे मामले से अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। कई बार उनको आश्वासन दिया गया है कि आपके नल कनेक्शन करवा दिए जाएंगे, आपको पानी की सुविधा उपलब्ध करा दी जाएगी, लेकिन आजादी के इतने साल हो जाते हैं। ठीक है इदरीश, आप हमारे साथ बने रहिए, मैं आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ फोन लाइन पर यशवंत वर्मा, सीएमओ नगर पालिका पन्ना से जुड़ गए हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत है यशवंत जी। जिस तरह से एक मामला यहाँ पर सामने आया है पन्ना नगर पालिका के वार्ड नंबर 17 मदार टेकरी का, यहाँ के लोग कई सालों से बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं, पानी की समस्या से निजात नहीं मिल पाया, कई जिम्मेदारों को अवगत कराया गया लेकिन अभी तक कोई भी पॉजिटिव रिएक्शन यहाँ निकल कर सामने नहीं आया। सर किस तरह आप देखते हैं? यशवंत जी आवाज पहुंच रही है आप तक हमारी? हाँ पहुंच रही है आवाज जी, बताएं। नगर पालिका के द्वारा प्रतिदिन पानी सप्लाई किया जा रहा है जी, मात्र एक दिन पानी की क्राइसिस पैदा हुई थी क्योंकि टेक्निकल इश्यूज सामने आया था, इसकी वजह से पानी नहीं मिल पाया था। सर क्या आप कंफर्म है इस चीज को लेकर कि नगर पालिका की तरफ से यहाँ पर पानी की सप्लाई की जा रही है, क्योंकि अभी ग्रामीणों से भी बात हुई है, उनका साफ तौर पर कहना है कि कंफर्म हो प्रतिदिन पानी सप्लाई हो रहा है जी। और अभी हमारे संवाददाता भी लोकेशन पर है, ग्रामीण भी वहाँ मौजूद हैं, उनका कहना है कि ये सिर्फ एक दिन की समस्या नहीं है, आए दिन की समस्या है और रोज हम इसी तरह से जा रहे हैं। नहीं, जो वार्ड नंबर 17 का इशू बताया जा रहा है वो प्लेस एक ऐसा है कि वहाँ पे पाइपलाइन नहीं डल सकती, फॉरेस्ट लैंड है और लेबलिंग ना होने की वजह से वहाँ पे पाइपलाइन नहीं है, वहाँ पे स्टैंड पोस्ट नगर पालिका के द्वारा लगवाए गए हैं जिनसे लोग पानी सप्लाई किया जा रहा है। लेकिन वो भी ऐसी लोकेशन में लगवाया गया है जहाँ पर बच्चे का अगर पैर भी फिसल जाता है, किसी महिला का पैर फिसल जाएगा तो कोई हादसा हो सकता है। वो प्लेस ही ऐसा है कि वहाँ पर इम्पॉसिबल है कि वहाँ पे इस तरह से पाइपलाइन बिछाई जा सके, टेक्निकल दृष्टि से वो वहाँ पाइपलाइन नहीं जा सकती है। तो क्या आप लोगों ने इस चीज को लेकर वहाँ के ग्रामीणों को समझाने की कोशिश की कि समस्या तो आपकी मेरे द्वारा प्रयास है? किया गया है और 3-4 स्टैंड पोस्ट वहाँ पे लगा दिए गए हैं जहाँ सूटेबल है, जहाँ से लोग पानी सप्लाई ले रहे हैं वर्तमान में। ठीक है, एक आखिरी रिएक्शन आपका लेना चाहूंगे। आपने कहा कि टेक्निकल अगर देखा जाए, टेक्निकली इशू वहाँ पर सामने आ रहे हैं, अगर टेक्निकली हटा दिया जाए क्या कोई समाधान नहीं है जिस वजह से ये इस तरह की समस्या से निजात मिल सके वहाँ के लोगों को? वहाँ की लोकेशन ऐसी है कि टेक्निकल इशू वो समस्या सॉल्व नहीं हो सकती है, काफी प्रयास किया, काफी अरसों से वहाँ पे प्रयास किया जा रहा है जी। ठीक है यशवंत जी, आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। इदरीश, मैं आपका रुख करूंगी। जिस तरह से हमारे साथ यहाँ पर सीएमओ जुड़े थे, सीएमओ का साफ तौर पर कहना है कि वहां पर कुछ टेक्निकल इशू है और वो लोकेशन ही ऐसी है जिस वजह से वहां पर अभी फिलहाल पानी की सप्लाई उस तरीके से नहीं हो सकती जिस तरह से अभी ग्रामीणों को चाहिए। ऐसे में ग्रामीणों का किस तरह का रिएक्शन? तो बिल्कुल आपको बता दें कि जिस प्रकार से यशवंत जी मामले से अपना पल्ला झाड़ रहे, यहाँ सबसे बड़ी सोचने वाली बात ये है कि वहां पर कई ऐसे परिवार हैं जिनके नल कनेक्शन वहीं लगे हुए हैं, जहां पर ये स्पॉट बताया जा रहा है उससे थोड़ी ही नीचे चलते हैं तो वहां पर पूरी पाइपलाइन डली हुई है, सभी लोगों के नल कनेक्शन है, लेकिन क्या है कि यहां पे जो प्रशासनिक अमला है वो काम करना नहीं चाहता है, जिस वजह से यहां पर लोगों को पानी की परेशानी हो रही है। 250-300 ऐसे परिवार हैं, उनका स्पष्ट ये कहना है कि अगर यहां से पाइपलाइन निकल जाती है
तो हम सभी लोग बाकायदा नल कनेक्शन करवा लेंगे, हम लोगों की पानी का जो समस्या है उसका निदान हो जाएगा। लेकिन लगातार सोचने वाली बात है कि जब वार्डों में इस प्रकार की समस्या है, यशवंत जी का कहना है कि यहाँ फॉरेस्ट क्षेत्र लगा हुआ है, जबकि ये पूरा जो वार्ड है ये नगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत आता हुआ है, यहाँ पर कलेक्टर बंगला है। इधरी सीधू सीएमओ ने अपना रिएक्शन रखा कि इस तरह की है, जब यहाँ पर विधायक और कलेक्टर नगर पालिका के पास गए इस चीज को लेकर कि भैया समस्या की हमें यहाँ इस तरह पानी की नहीं मिल पा रहा, सप्लाई नहीं हो पा रही, तो क्या इस दौरान उन लोगों का भी यही रिएक्शन निकल कर सामने आया था कि वहां पर टेक्निकल इशू है और इस तरह के जो भी यहाँ पर इन्होंने ताबड़तोड़ जवाब दिए? तो जब स्थानीय विधायक के पास यहाँ के रहवासी गए हुए थे तो उनके द्वारा स्पष्ट तौर पर यह आश्वासन दिया गया था कि जल्द ही हम वहाँ का पूरी एरिया का जो सर्वे है वो करवाएंगे और वहाँ जो भी पानी की सुविधा है जिस प्रकार से भी हो पाएगा उसको उपलब्ध कराएंगे। लेकिन जो नगर पालिका के कर्मचारी हैं वो काम नहीं करना चाहते हैं, जिसके चलते वो इस प्रकार के बहाने बना रहे हैं। दीदी जी इद्रीश, क्या जिस लोकेशन पे आप खड़े हैं क्या वहां पर कुछ रहवासी भी हैं? एक बार उनसे भी जानने की कोशिश कीजिए कि किस तरह की समस्या का वो वाकई में सामना कर रहे हैं और कितना समय हो चुका है इस चीज को लेकर। ऋषि बिल्कुल आपको बता दी कि यहाँ पर जो निवासी रहते हैं वो लगातार क्या है मजदूरी का काम करते हैं, आने जाने का काम करते हैं, इसलिए सुबह 10 बजे से ही पानी भरने के बाद वो सारे यहाँ के जो रहवासी हैं वो अपने अपने कामों पर निकल जाते हैं। इस वजह से अभी हमारी उनसे मुलाकात नहीं हो पाई है, लेकिन जब खबर बनाने के दौरान उनसे पूरी बात की गई थी तो उनके द्वारा स्पष्ट ये बताया गया था कि ये जो जगह है यहाँ पर गिरने से कई लोग घायल हो चुके हैं, कई गर्भवती महिलाएं जो है वो यहाँ पर गिर चुकी हैं, घायल हो चुकी हैं, बच्चे घायल हो चुके हैं, बुजुर्ग जो है वो एक एक किलोमीटर दूर बाल्टी में पानी भरने के लिए जाते हैं, तो काफी किल्लत है यहाँ पर रिति पानी की। बिल्कुल काफी किल्लत है, तस्वीर भी हम देख रहे हैं कि कितनी समस्या से वो लोग जूझ रहे हैं और ऐसे में अगर यहाँ पे जनप्रतिनिधि और जिम्मेदार ही नहीं सुनते तो फिर अपनी आस लेकर कहाँ जाएं, ये बहुत बड़ा सवाल और मन में एक संकोच सा पैदा कर देता है और हर किसी ग्रामीण के यहाँ पर हो रहा होगा। इद्रीश, पहले तो आपसे समझना चाहेंगे कि जिस तरह से जल नल योजना यहाँ पर चलाई तो जा रही है और धरातल पर किस तरह की तस्वीर निकल कर सामने आ रही है वो भी हम देख रहे हैं, लेकिन अब चूंकि यहाँ पर किसी भी तरह का एक्शन नहीं लिया जा रहा, किस विभाग के अंडर पर ये आता है, कौन इसकी देखरेख करता है कि जो आदेश दे और इस तरह के निर्देश दे कि ठीक है अब यहाँ पे तुरंत में काम हो जाना चाहिए और ये काम हो जाए? देखिए तो ये क्या है, काफी घनी बस्ती है और जो पन्ना नगर पालिका के जो वार्ड है काफी बड़ा ये वार्ड है, सबसे बड़ा वार्ड माना जाता है, यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पर रहते हैं। लेकिन क्या है कि ये जो बीच का एरिया है ये पहाड़ी के थोड़ा नीचे आता है, कलेक्टर बंगले के नीचे का ये पूरा एरिया है जहाँ पर 250-300 परिवार ऐसे हैं जो पानी की किल्लत से परेशान है और कई बार इनके द्वारा शिकायत की गई है, कई बार अधिकारी जनप्रतिनिधि नेता सभी को इस चीज से अवगत कराया गया, यहाँ तक कि जो यहाँ के रहवासी। इद्रीश, मैं आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ फोन लाइन पर स्वतंत्र प्रभाकर अवस्थी अध्यक्ष युवक कांग्रेस फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सबसे पहले तो आपका स्वतंत्र बहुत स्वागत है डीएनएन में। जिस तरह से यहाँ पर एक मामला सामने आया पन्ना नगर पालिका के वार्ड नंबर 17 मदार टेकरी का कि यहाँ पर बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं, चूंकि आप वहां पर जिम्मेदार हैं तो आप लोगों की तरफ से किस तरह का एक्शन यहाँ पर लिया गया? हम लोगों की तरफ से नगर पालिका में भी कई बार सूचना दी गई, शिकायत करी गई है और मैं बचपन से देखते आ रहा हूँ, चूंकि लोग वहाँ से सुबह से सैर करने जाते हैं, वहाँ पे ऊपर जाते हैं तो लोगों को मैं ना वहाँ पर अप्रोच रोड है, वहाँ पे पहुंच रोड कुछ कोई भी पहुंच रोड नहीं बनाई गई, आज दिनांक तक वहाँ पर 400 से 500 लोग रहते हैं उस बस्ती में, ना आज तक वहाँ पर रोड बनी है ना पानी बना है। मैंने खुद अपनी आंखों से लाइन लगा के जो ऊपर एक वहाँ पर टंकी बनी हुई है जिससे पूरे शहर में सप्लाई होता है, उस लीकेज पाइप से लोग पानी भर के ले जाते हैं, सरकार का और यहाँ के मुखियाओं का कोई ध्यान नहीं है उसकी तरफ। मतलब कहा जा सकता है कि जिम्मेदारों की यहाँ पे लापरवाही निकल कर सर सामने आ रही है। ये मिनी स्मार्ट सिटी बना रहे हैं मोदी जी, ये मिनी स्मार्ट सिटी का मतलब होता है कि हर एक सुविधा बहुत आसानी के साथ लोगों के पास पहुंच जाए, ये मिनी स्मार्ट सिटी की अवहेला नहीं है, आप बताइए। बिल्कुल, केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से हर तमाम कोशिश तो की जा रही है, लेकिन अब जमीनी स्तर पर अधिकारी ही इस तरह का रवैया निकलकर सामने आएगा तो सवालिया निशान तो यहाँ खड़े हो जाते हैं। लेकिन अभी हमारी सीएमओ से बात हुई तो सीएमओ का कहना है कि वहां कोई टेक्निकल इश्यू है और वो लोकेशन ही ऐसी है कि वहां पर पानी की सप्लाई के लिए और कुछ हम यहाँ पर काम नहीं कर सकते, क्या ऐसा वाकई में सच है? अगर वहाँ पे लोकेशन वैसी होती तो पाइपलाइन वहाँ से ऑलरेडी पूरे शहर में सप्लाई के लिए गई हुए नीचे, वहाँ पे ऐसे क्यों नहीं कर सकते, वो क्या प्रॉब्लम जा रही है? पहले से वो सरकारी लाइन जा रही है, उसी से दूसरी लाइनें जोड़ के लोगों के घरों तक नल मुहैया करा दें लोग उसका
रेंट देते हैं, फ्री में तो कोई पानी पीता नहीं है, तो हर एक चीज हो सकती है वहाँ पर। ये सरकार की और ये प्रशासन की लापरवाही है, घोर लापरवाही है। सर एक सवाल और कि जिस तरह से वहाँ पर कलेक्टर और नगर पालिका सीएमओ का निवास है और जिम्मेदारों की नजर हमेशा उस चीज पर पड़ती है कि यहाँ के लोग किस किस परेशानी से जूझ रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी निजात ना हो पाना किस तरह का संकेत देता हुआ ये नजर आ रहा है? बहुत ही ज्यादा भयावह स्थिति है मैडम, और लोग बहुत ज्यादा त्रस्त हैं, बहुत ज्यादा परेशान हैं। मेरे पास अभी कल ही परसों कम से कम 100-200 लोग आए थे, वो नगर पालिका चलने की बात कर रहे थे। तो मैं अभी सारे लोगों को लेके जाऊंगा और उनसे सीएमओ साहब से बात करूंगा, फिर से निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा। ऐसी कोई चीज नहीं होती, ऐसी कोई लोकेशन नहीं होती, अच्छे अच्छे पहाड़ों को तोड़ के सुरंगें बना के, आप बताइए श्रीनगर जैसी जगह पे रेलवे लाइन चली गई तो ये छोटी सी पाइपलाइन नहीं जा सकती, आप बताएं। जो सर से आपने यहाँ पे बताया कि नगर पालिका कलेक्टर और विधायक से भी यहाँ पर आपकी बात हुई है जिम्मेदार से, उन लोगों का किस तरह का रिएक्शन निकल कर सामने आया जब आप लोगों ने वहाँ पर शिकायत की कि इस तरह की परेशानी कैसे यहाँ ग्रामीण जूझ रहे हैं? कोई रिएक्शन नहीं है। तो उन्होंने कुछ आश्वासन भी दिया होगा उस पे? जी उन्होंने कहा दिखवाते हैं बस। उसके बाद मतलब कितना समय इस चीज को हो गया है? 10-15-20 दिन हो गए और कई सालों से लोग, 20 साल से तो मैं ही देखता चला आ रहा हूँ। एक चीज लगातार देखा जाता है कि अगर एक ही समस्या का निदान यहाँ पर नहीं हो पा रहा, और जिस तरह से आप कह रहे हैं कि 20 सालों से आप देखते हुए आ रहे हैं, ठीक है 20 सालों से ये समस्या है और 20 सालों से लगातार जिम्मेदार भी वही डटे हुए हैं, अब ऐसे में कोई अगर समस्या का निजात नहीं हो पा रहा तो अब आगे किस तरह का एक्शन आप लोग उठाएंगे? हम लोग नगर पालिका का घेराव करेंगे और जितना भी विरोध प्रदर्शन होगा सारा उन लोगों को उस चीज को काम करने को मजबूर कर देंगे, क्योंकि ये जिला मुख्यालय है। आप सोचिए जब जिला मुख्यालय की ये स्थिति है तो आसपास के गांव की जो नल जल योजनाएं चल रही हैं सब बंद पड़ी हैं, उनकी क्या स्थिति होगी आप खुद बताएं। बिल्कुल स्वतंत्र जी आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया, और ऐसे में आपसे भी लगातार यही उम्मीद करते हैं वहाँ के गांव के लोग कि आप उनकी आवाज़ को आगे पहुँचाएं और जिस भी तरह की समस्या है उससे जल्द ही निजात यहाँ पे दिलाएं। ऐसे में इदरीश जिस तरह से अभी यहाँ पर हमारी बात हुई युवा कांग्रेस के अध्यक्ष से, तो उनका भी साफ तौर पर कहना है कि मुद्दे तो कई हैं, सिर्फ एक ही मुद्दा पानी का यहाँ नहीं है, सड़क का भी है और इसके साथ ही तमाम जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं उससे यहाँ के लोग वंचित हैं। हम कई बार मुद्दों को उठा चुके हैं लेकिन सुनने वाला कोई नहीं, जब कोई सुन ही नहीं रहा तो किसके पास अब जाकर दरकार लगाएं? ये तो बिल्कुल जिस प्रकार से स्वतंत्र जी ने अभी बताया है कि यहाँ, आपको एक बात और बताना चाहेंगे कि यहाँ पर जो पानी की टंकी बनी हुई है पूरे शहर में उसी टंकी से सप्लाई किया जाता है। पीएमओ का कहना है कि वहाँ पर स्थान ऐसा है कि जिस वजह से वहाँ पर पानी नल के कनेक्शन नहीं किए जा सकते हैं, लेकिन सोचने वाली बात है कि जब वहाँ ऐसी टंकी बनी हुई है, ऐसे नल कनेक्शन है वहाँ पर जिनसे पूरी शहर को पानी दिया जाता है, तो क्या 250-300 परिवार जो है उनको कनेक्शन इससे नहीं दिया जाता है? ये तो पूरा मामले से जो अपना पल्ला है पल्ला झाड़ने वाले ये बात कर रहे हैं, और जिस प्रकार से यहाँ लोग परेशान हो रहे हैं वो लोग ही समझ सकते हैं कि किस प्रकार से उनको बूंद बूंद पानी के लिए संघर्ष करना पड़ता है, सारे काम छोड़ के उनको पूरे दिन बस पानी के लिए लाइन लगानी पड़ती है। कई लोग ऐसे हैं यहाँ पर जो उस पानी को पीकर कई बार बीमार भी हो चुके हैं क्योंकि जिस प्रकार से वो गंदा पानी निकलता है वो। इदरीश मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगी, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और समाज सेवी सादिक खान भी फोन लाइन पर जुड़ गए। सादिक जी बहुत स्वागत है टीएनएन में आपका। सर एक मामला सामने आया कि पन्ना नगर पालिका के वार्ड नंबर 17 मदार टेकरी का आपके संज्ञान में भी ये मामला होगा, इसको लेकर किस तरह के प्रयास यहाँ पर किए गए? क्योंकि सीएमओ से जब बात की गई तो सीएमओ का साफ तौर पर कहना है कि वो लोकेशन ऐसी है कि वहां पर पानी की सप्लाई हो ही नहीं सकती है टेक्निकल इशू के माध्यम से भी। जी पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी। ये कलेक्टर बंगला के जस्ट नीचे पहाड़ कोठी का इलाका है, झुग्गी बस्ती है, अधिकांश गरीब लोग रहते हैं। जहाँ तक ये सीएमओ का तर्क है कि वहाँ पर पानी नहीं पहुँचाया जा सकता है, वहाँ की टोपोग्राफी ऐसी है, वहाँ की भौगोलिक स्थिति ऐसी है, ये बिल्कुल गलत है, निराधार है। अगर इच्छा शक्ति है नगर पालिका परिषद के अंदर तो कहीं भी पानी को पहुंचाया जा सकता है, बस ये इच्छा शक्ति के अभाव का मामला है, उदासीनता का मामला है। और जबकि पानी की लाइनें जो है उसी इलाके से होकर पूरे शहर में जाती हैं, वहां सिर्फ आवश्यकता इस बात की है कि वहां पर नल जो है लगाए जाए, गरीबों को निःशुल्क पानी उपलब्ध कराया जाए। खाली पानी भर की समस्या नहीं है उस बस्ती में, सड़क की भी समस्या है, बुनियादी समस्याओं से पूरी बस्ती के लोग परेशान हैं। आजादी के 70 साल बाद भी
शहर के बीचों बीच स्थित इस बस्ती में बुनियादी सुविधाएं लोगों को नहीं मिल पा रही, बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है जी, मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। सर, चूंकि आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और ऐसे में समाज सेवा भी आप लगातार कर रहे हैं, तो आपसे एक चीज ये अटपटी नहीं लगती कि कलेक्टर, नगर पालिका, सीएमओ का निवास भी वहीं पर है, जिस तरह से आपने भी बताया और हमारे जो संवाददाता है द्रीश मोहम्मद वो लगातार ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, वहां उन लोगों का निवास है, उनकी आंखों के सामने इस तरह की समस्या से लोग जूझ रहे हैं और जिम्मेदार हैं कि मौन बैठे हुए हैं? ये जिम्मेदारों प्रशासनिक अधिकारियों को ही उदासीनता तो है ही, साथ ही ये उन जनप्रतिनिधियों की भी उदासीनता का द्योतक है कि जो लोग उनसे वोट तो लेते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं चुनावों के समय, लेकिन उनकी सुध नहीं लेते। अधिकारी यदि उदासीनता कर रहे हैं तो जिम्मेदार जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं? बिल्कुल, वो भी उदासीनता कर रहे हैं, उन्होंने तो उनके विकास के नाम पर वोट भी लिया हुआ है जी। लेकिन सर, ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई इस तरह के मामले हमने देखे हुए हैं और उसके बावजूद भी जो ये ऐसे मामले निकल कर सामने आते हैं इसका कोई भी समाधान नहीं होता, समस्या जस की तस बनी होती है, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है, अगर बीच में कोई जूझता है तो वो होते हैं बेबस एक आम इंसान। अब इस तरह की समस्याओं से किस तरह से निजात दिलाया जा सकता है? यदि शासन प्रशासन लोगों को इस दौर में भी जब तथा कथित विकास के बड़े बड़े ढोल पीटे जा रहे हैं, बुनियादी सुविधाएं, सड़क, बिजली, पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं दे पा रहा है, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा मैडम? ये किस तरह का डिजिटल इंडिया, स्मार्ट इंडिया बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं जहां लोगों को वास्तविकता जिसकी ये है, इसका स्याह पहलू यह है कि लोगों को बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं और वो भी शहर के बीचों बीच नहीं मिल पा रही हैं। अगर कलेक्टर, शासन प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी, एडीएम, नगर पालिका, सीएमओ अपनी नाक के नीचे भी नहीं देख पा रहे हैं तो ये कहाँ और दूरस्थ गांवों की स्थिति कितनी भयावह होगी, आप अंदाजा लगा सकते हैं? बिल्कुल अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं वो तस्वीरें भी कई तरह के सवाल यहाँ पर खड़े कर देती है शासन प्रशासनिक अधिकारियों पे। फिलहाल आप हमारे साथ जुड़े हैं सादिक खान जी, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। इदरीश मोहम्मद भी ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, इदरीश आप भी हमारे साथ जुड़े, उसके लिए आपका भी बहुत शुक्रिया। तो पन्ना की तस्वीरें आपको दिखाते जहां रहवासी पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं, हालात इतने खराब हो चुके हैं कि अब बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग अपनी जान से खिलवाड़ कर पानी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आपको बता दें, कहानी पन्ना जिला मुख्यालय के उस वार्ड की है जहां खुद कलेक्टर और नगरपालिका सीएमओ का निवास है। कई बार यहां पे प्रशासनिक अधिकारी यानी कि जिम्मेदारों को अवगत करा दिया गया, लेकिन अभी तक किसी भी तरह से समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। ऐसे में आपको बता दें कि जोखिम उठाना पड़ता है लोगों को और कई बार चट्टान और कचरे रास्ते से फिसलने से महिलाएं, बच्चे और वृद्ध गंभीर रूप से भी घायल हो चुके हैं। फिलहाल हमारी खास पेशकश बिन पानी सबसून में इतना ही, आप बने रहिए डीएनएन के साथ। नमस्कार।